हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप एक्साइटेड है? एक्चुअली मेरा वीडियो कुछ स्लो आ रहा है, बट बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा और शॉर्ट्स में डालते रहता हूँ, तो उसे आप एंजॉय कीजिए। और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं iPhone 16। तो जो अभी लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और क्या क्या उसमें नई चीज़ें ऐड हो गई हैं। बिकॉज एवरी ईयर जब आईफोन लॉन्च होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, भले वो माइनर ही क्यों ना हो, बट एप्पल कुछ ना कुछ करता ही है। तो ये रहा उसका बॉक्स, आप देख सकते हैं ये है आईफोन 16 का बॉक्स। तो इसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक केबल मिलती है और फ़ोन मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, सो दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता है। और ये जो वेरियंट है ये ब्लैक कलर है, मैट ब्लैक, तो आप देख सकते हैं। सो बॉक्स बहुत ही सिंपल बॉक्स है एंड बहुत ही पतला बॉक्स है। यहाँ पे आपको आईफोन दिखेगा, यहाँ पे आईफोन दिखेगा एंड एप्पल का लोगो दिखेगा। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडिया है, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यही मैं बोल रहा था कि ये जो चीज़ें हैं अब इंडिया में बन रही हैं, उसके बावजूद इसका प्राइस इतना ज़्यादा है। तो हमने इसका अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर लिया है और इसको इसके अंदर आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इस एक चार्जिंग केबल मिलता है और सो ये रहा फ़ोन, जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे कैमरा जो कि रिसेम्बलेंस है इसका आईफोन 11 का। यहाँ पे एक माइक भी है, यहाँ पे वो फ्लैश है, उसके साथ साथ ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्शन बटन, यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन्स है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा सिम स्लॉट जो कि सिंगल सिम और एक ई सिम के साथ आता है। और ये है लॉक बटन और ये एक नया बटन ऐड हो गया है, कैमरा बटन। तो इसके अंदर की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आईफोन 16 है, 6.1 इंच का OLED स्क्रीन है। अगेन उन्होंने रिफ्रेश रेट में कुछ काम नहीं किया है 16 सीरीज़ में, तो रिफ्रेश रेट आपको अभी भी 60 हर्ट्ज ही मिलेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिल शेप का आपको ये मिल जाता है जहाँ पे फ्रंट कैमरा है एंड बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही दिख रही हैं मुझे अंदर की तरफ, क्योंकि iOS 18 है। तो बाकी कुछ चीज़ें अभी इन्होंने ऐड करना चालू किया, जैसे कि एप्पल इंटेलिजेंस अभी तक जुड़ा नहीं है, बट बहुत जल्दी आपको अपडेट के थ्रू मिल जाएगा क्योंकि वो 16 में आएगा और 16 प्रो में आएगा एंड 15 प्रो में आने वाला है प्रो सीरीज में। तो यहाँ पे सेटिंग्स में हम देख सकते हैं कि इसका जो जनरल सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन में दिखेगा 256 GB का फ़ोन लिया है फ़िलहाल, iOS 18 है एंड iPhone 16। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, आई थिंक अभी एक अपडेट आया हुआ है 18.0.1, देख सकते हैं आप, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स जिनको फेस हो रहा था तो वो सारे इन्होंने फिक्स किए हैं। अब इसमें जो स्पेसिफिकेशन है, इसका जो प्रोसेसर है वो A18 हो गया है, तो उसके वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया है, बैटरी इन्होंने इम्प्रूव की है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है आईफोन 16 में। प्लस इनका जो कैमरा है वो इन्होंने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है बिकॉज ऑफ स्पेशल वीडियो, एक इनका एक फीचर है। तो चलिए पहले कैमरा देख लेते हैं, कैमरा में क्या क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे कैमरा में आपको अगेन पोर्ट्रेट है, फोटो है, स्पेशल का जो ऑप्शन है जैसा कि मैंने बताया, ये एक ऑप्शन जो है ये बिकॉज ऑफ ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट जो इस फ़ोन में की गई है उसके वजह से ये ऐसे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि ये बाकी किसी आईफोन में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आईफोन 16 में मिलने वाला है। एंड इसके बाद यहाँ पे पैनो है स्पेशल में, अगेन आई वांट टू सी स्पेशल वीडियो भी है, स्पेशल फोटो भी है, मोर लाइट रिकमेंडेड। सो ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं, नई चीज़ें आईफोन के अंदर जुड़ गई हैं वीडियो में, अगेन सेम HD देन 60 देन 4K 60 4K 24 30, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिनेमैटिक मोड भी मिल रहा है,
देन स्लो मो है, टाइम लैप्स है, अगेन कैमरा 48 मेगापिक्सल है एंड 12 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड, तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये अल्ट्रा वाइड हो गया, ये नॉर्मल और ये 2x। फोटो में भी सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अल्ट्रा वाइड। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सारे आईफोन के सीरीज में मिलेंगी, प्लस डायनेमिक आइलैंड मिल जाएगा जो इन्होंने बताया है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही है। अब बात करते हैं ये कैमरा बटन का जो पोजीशन, काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं इसको प्रेस करते ये कैमरा आपका चालू हो जाता है। देन अगर आप हल्का सा प्रेस करके रखेंगे तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको जूम कर सकता हूँ ऐसे, ये टच सेंसिटिव है। और भी कुछ ऑप्शन है, तो इसको डायरेक्ट क्लिक करने से फ़ोटो भी क्लिक हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये शॉट मैंने लिया अभी। सो ये कुछ नए फीचर्स इन्होंने ऐड की हैं, लेकिन मेजर चीज़ तो मुझे कैमरा ही लग रहा है, जो कैमरा का ओरिएंटेशन है एंड स्पेशल ऑडियो है। तो हमारे पास आईफोन 11 भी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कितना डिफरेंस है कैमरा, और इसका कैमरा कितना छोटा था आईफोन 11 का, और इसका कैमरा का जो साइज़ है ऑलमोस्ट डबल है। एंड ऑब्वियसली डिज़ाइन तो फ्लैट हो गया है काफ़ी टाइम से, तो वो भी आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन किस हिसाब से चेंज हुआ है एंड चीज़ें लोगों। तो बहुत सारी चीज़ें आपको, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये डायरेक्ट आईफोन 11 ही लग रहा है, लेकिन आईफोन 11 जैसा कैमरा ओरिएंटेशन है, लेकिन जैसा कि आप हमें ये मिलता था एक स्क्वायर कट, वो अब यहाँ पे नहीं है, वो छोटा हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इतना ऐसे राउंड शेप हो गया, ओवल शेप हो गया है, और फ्लैश जो है बाहर निकल गया, अदरवाइज वो अंदर था। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं आईफोन 16 में, एंड मेजर अपडेट लाइक प्रोसेसर चेंज हो गया है, एंड फ्यू कंप्लेंट्स लाइक कि अभी भी 60 हर्ट्ज स्क्रीन मिल रही है, आप इतना पे कर रहे हैं उसके बावजूद। तो एक ऑप्शन ये था कि अभी जो सेल चल रही थी उसमें 15 प्रो सीरीज जो है काफ़ी सस्ता मिल रहा था, विच इज़ गुड देन आईफोन 16, क्योंकि उसमें आपको 3 कैमरा मिल जाते हैं और सारे फीचर्स मिल जाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा वो अच्छा डील लग रहा था। एंड उसमें सारे अपडेट्स भी आपको मिलने वाले, जैसे एप्पल इंटेलिजेंस एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो वो एक अच्छा डील है। बट अगेन, अगर आईफोन 16 आप परचेस कर रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी आईफोन 13 या 15 यूज़ कर रहे हैं उनके लिए इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आईफोन 11 के लिए आप आईफोन 16 परचेस कर सकते हैं। सो लास्ट ईयर के आईफोन में ये एक्शन बटन नहीं था, अब इन्होंने एक्शन बटन ऐड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने साइलेंट, होल्ड फॉर साइलेंट, सो एक हैप्टिक फीडबैक दे रहा है। एंड जैसा कि आपको पता है कि आईफोन का जो हैप्टिक मोटर है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, तो जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये डायनेमिक आइलैंड काम कर रहा है। एंड इसको भी आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। एक्शन बटन अगर हम डालेंगे तो एक्शन, ओके यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्शन बटन, तो जैसे ये कैमरा भी आप सेट कर सकते हैं, फ्लैश लाइट सेट कर सकते हैं, वॉइस मेमो है, सो इस तरीके से आप एक्शन बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये साइलेंट मोड पे है, तो ये ऐसे बता रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। हालांकि आईफोन हर कोई नहीं ले सकता है, बट ऑब्वियसली आज के टाइम में बिकॉज ऑफ EMI ऑप्शन बहुत सारे लोग चूज़ कर रहे हैं, और अभी ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है तो आपको इसकी प्राइस आपको पता ही है, 79,999 है कुछ, एंड 128 GB वहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो इनके जितने भी सीरीज़ है फिलहाल इंडिया में बन रहे हैं, लेकिन उनके प्राइजेस स्टिल सेम ही दिख रहे हैं मुझे, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखा है। तो एप्पल को इस पर थोड़ा और काम करना चाहिए, अगर प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस कम होना चाहिए, बट वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि कुछ यूनिट्स अब मेड इन इंडिया भी मिल रहे हैं,
तो हम ये हमने ये यूनिट चेक किया है और आपने देखा होगा वीडियो में ये कहाँ का बना हुआ है, फिर भी इसकी प्राइस इतनी है। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।